हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम लॉकस्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे। लॉकस्ट, जिसको हम ग्रास ऊपर के नाम से भी जान रहे हैं, जो कि घास पर फुदकने की प्रक्रिया अपनाता रहता है, और ये ऐसा एनिमल है जो कि सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल फेज में भी देखा गया है। इसके जो पिछले सिस्टम थे उसमें हमने स्टडी की थी, हमने इसके एलिमेंट्री कैनाल को, इसके नर्वस सिस्टम को, ठीक है, और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने स्टडी की थी या उसको डिस्कस किया था। आज हम इसमें ले रहे हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लॉकस्ट या सिस्टोसरका अमेरिकाना। इसका जो जनन तंत्र है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। इसमें मेल तथा फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। फीमेल जो होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, और फीमेल को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आप इनका, जैसे लास्ट इनका सेगमेंट था एब्डोमिनल सेगमेंट, उस एब्डोमिनल सेगमेंट पर इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने बनाई है। पहले भी जो जितने डायग्राम हमने बनाए हैं उनमें इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने बनाई है, जिसको हम कह रहे हैं ये लास्ट इसका एब्डोमिनल सेगमेंट है, और इसमें हमने लास्ट में बनाया था ओवीपोजिटर। तो जाहिर सी बात है कि ओवीपोजिटर जिन एनिमल्स के अंदर होगा, जिन सदस्यों के अंदर या जिन इंडिविजुअल के अंदर होगा, वो फीमेल होंगी, और जिनके अंदर ये अब्सेंट होता है उनके अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, मेल के नाम से या फिर मेल के रूप में उनको अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इसमें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो डायग्राम के माध्यम से ही हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे इसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का दिखाई देता है। दोनों डायग्राम हम साथ में ही डिस्कस करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी लाइफ साइकिल को। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो इसका चौथा पाँचवा छठा जो सेगमेंट है, उन सेगमेंट के अंदर इस तरीके की संरचना मौजूद होती है। बीज की आकृति की, और ये जो संरचना है अनेक फॉलिकल सेल्स या फिर फॉलिकल लॉब्स के द्वारा मिलकर के बनी होती है। इन फॉलिकल लॉब्स के बारे में हम जानें तो ये संरचनाएं क्या हैं, दरअसल स्पर्मेटोगोनिया के रूप में इनका फंक्शन रहता है, और लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर की सहायता से इन जंतुओं में स्पर्म का फॉर्मेशन करवाया जाता है। अनेक फॉलिकल सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रोसीजर वही रहेगा हर जंतु के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन का, लेकिन बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर स्पर्म का निर्माण जब होता है तो उनको मैच्योर अवस्था में ही निषेचन के समय त्याग दिया जाता है, जबकि बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर मैच्योरेशन फेज के लिए उन स्पर्म को कुछ समय तक रोक लिया जाता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो एब्डोमिनल, जो इसका सेगमेंट है, उस एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर
एक पतले तंतु जो हैं, उन पतले तंतुओं की सहायता से, एक बहुत ही पतला तंतु है ये, लेगामेंट है, जिसको हम मीडियन लेगामेंट का नाम दे रहे हैं। इसका योगदान केवल इतना ही है कि ये इनको इनकी एज इट इज अवस्था में बनाए रखता है। ये है मीडियन लिगामेंट, एक ऐसा तंतु जो कि इनको एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर स्थायी रखता है, स्थिर रखता है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर ये जो टेस्टिस है, ये हमने पढ़ा, पिंड लाइक जो स्ट्रक्चर है, लोब लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है, और नीचे की तरफ यहाँ आप देखेंगे कि इसमें वासा डेफरेंस नामक संरचना यहाँ पर मौजूद है, जो कि कहाँ खुलती है, इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। और ये एक ऐसी शीथ है जो कि पेनिस का फॉर्मेशन कर रही है। ये खुल रही हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। एक जोड़ी जो है पतली लंबी नलिका है, जो कि टेस्टिस से होकर के इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर ओपन होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो शामिल हैं चीज़ें, वो है टेस्टिस, वासा डेफरेंस और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ये हैं वासा या वास, डेफरेंस नलिका है ये, जो कि इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर ओपन हो रही है। एक इस तरीके की डक्ट है जो कि फूली हुई तथा चौड़ाई में फैली हुई संरचना है ये, इजेक्यूलेटरी डक्ट, स्क्लन वाहिका जिसको हम कहते हैं। ये जो स्क्लन वाहिका है, इसके पास में यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की ऊपर की तरफ छोटी साइज में और नीचे की तरफ बड़ी साइज में कुछ ट्यूब्यूल्स जो हैं वो जुड़ी रहती हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये कुंडलित अवसंरचनाएं हैं, जिनको हम एसेसरी ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ये हैं शॉर्ट, छोटी हैं साइज में, छोटी हैं इसलिए इनको हम शॉर्ट ट्यूब्यूल्स ऑफ सहायक एसेसरी ग्रंथियां, ये सहायक ग्रंथियां हैं, एसेसरी ग्लैंड हैं ये। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ये जो दोनों सहायक ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों का काम ये होता है कि ये एक चिपचिपे लसलसे पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो कि शुक्राणु जो आ रहे हैं उनके साथ में मिक्स करवाया जाता है और
ये जब मिक्स हो जाता है तो उनके मूवमेंट में आसानी रहे। तो एक तरीके का द्रव्य जो है वो यहाँ पर लिक्विड जो है वो यहाँ से स्रावित करवाया जाता है, जिससे कि शुक्राणुओं के मूवमेंट में, स्पर्म के मूवमेंट में सहायता मिल सके। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक छोटी सी वेसाइकल जैसी संरचना है जो क्या कर रही है, स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प कर रही है। जैसे ही टेस्टिस जो है, जो लगातार टेस्टिस की जो रेता नलिकाएं हैं, या हम ये कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर की सहायता से जब इसके अंदर लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो होने के बाद में इन वासा डेफेंस या जो छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं की सहायता से स्पर्म का मूव करवा दिया जाता है या मूवमेंट करवा दिया जाता है ये इजेकुलेटरी डक्ट की तरफ। लेकिन कुछ समय के लिए इस सेमिनल वेसाइकल नामक संरचना के अंदर स्टोर करवा लिया जाता है स्पर्म को। जब ये निषेचन करते हैं, जब इसमें फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन जो प्रोसीजर जो अब इसमें अपनाया जाता है, तब इससे स्पर्म जो है उनको मूवमेंट करवा दिया जाता है। नीचे की तरफ ये एक फूली हुई संरचना है जो कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करती है। और ये जो पूरी संरचना है ये मसल प्रकार की होती है। ये मसल संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसमें नीचे की तरफ मुग्धाकार संरचना के रूप में यहाँ पर मौजूद होते हैं, काइटिनस स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है यहाँ पर, जिनको हम कहते हैं पेनिस। ठीक है, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सैक जो कि मस्कुलर नेचर का होता है। तो ये है इन जंतुओं के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में पाए जाने वाला तंत्र, जिसमें लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन करवाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की सहायता से। और जैसे ही कॉपुलेशन का जो प्रोसीजर होता है, पेनिस की सहायता से इसमें मूवमेंट करवा दिया जाता है स्पर्म का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर। तो ये है यहाँ पर जो आपने पढ़ा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दूसरी तरफ हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, यहाँ पर आप जानते हैं कि मेल में मुख्य जो पार्ट है वो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस होता है, तो यहाँ पर ओवेरी का मूल योगदान रहता है। अब इसमें ये जो ओवेरी है, इस ओवेरी की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, वही सेगमेंट है, यहाँ पर ये जो ओवेरियन पार्ट है इसका, ये वेजाइना वाला क्षेत्र है जिसमें लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि ओविपोजिटर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ निकली हुई संरचनाएं हैं जो कि ओवेरी को आपस में बांधे रख रखी है, और एकदम ऊपर की तरफ जो निकली हुई संरचना है ये एसेसरी ग्लैंड के रूप में वर्क करती है। इसकी जो ओवेरी है, अंडाशय जो है इसका, वो लगभग 8 से 10 इसमें फोल्ड मौजूद होते हैं, और उन फोल्ड्स की सहायता से ये क्या करता है,
ऐसी संरचनाओं का निर्माण कर लेता है, ऐसे ओव्यूल का निर्माण कर लेता है ये। ये इसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि ओवरी जो है अनेक फोल्डेड स्ट्रक्चर जिनको हम ओवेरियोल के नाम से जान रहे हैं उनके द्वारा ये निर्मित होती है और ये ऊपर की तरफ निकल करके बना लेती है। ये जितने भी ओवेरियोल्स हैं ये सब जो हैं मीडियन लिगामेंट की सहायता से जुड़े रहते हैं और ये ऊपर की तरफ इसमें रहती हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ये कंप्लीट पार्ट जो है इसका ओवेरियोल्स के नाम से जाना जाता है और ऊपर की तरफ इसमें है मौजूद वही एसेसरी ग्लैंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कर रही थी, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प कर रही थी, तो यहाँ पर क्या करेंगी ये ओवम के मूवमेंट में हेल्प करेंगी। आप इस तरीके से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बना दें सभी में जिससे कि इसमें फोल्ड्स दिखाई दें। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है ओवरी के नाम से जाना जा रहा है और यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक ये जो पूरा पार्ट जो ओवरी का ये दो ओविडक्ट की सहायता से यहाँ पर वेजाइना के अंदर ओपन होगा जो कि ये फुली वी स्ट्रक्चर है और फीमेल जिनाइटल ओपनिंग के रूप में ये बाहर की तरफ खुलती है। पूरा ये जो पार्ट है ये बंद रहता है, बंद अवस्था में रहता है ये, और यहाँ पर ये जो वेजाइना है इस वेजाइना के अंदर एक ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद रहती है। यहाँ पर इस तरीके की संरचना के रूप में ये पाई जा रही है यहाँ पर, जिसको रिसेप्टिक्यूला सेमिनिस कहते हैं। रिसेप्टिक्यूला सेमिनिस ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प करती है। आप कहेंगे स्पर्म कहाँ से आएंगे, जब इसमें इनिशिएशन की प्रक्रिया होगी पेनिस शीथ जो हैं जो स्पर्म को यहाँ पर छोड़ देंगे तो रिसेप्टिक्यूला सेमिनिस जो है वो क्या करता है स्पर्म को इकट्ठा कर लेता है, एक साथ स्टोर कर लेता है। और नीचे की तरफ ये मौजूद है इसमें ओविपोजिटर जिनका फंक्शन मैंने आपको अभी बताया, इनका रोल क्या रहता है, अंडों के निक्षेपण में ये मदद करते हैं। गर्मियों की सीजन में इनके अंदर जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद ये मिट्टी में
एक गहरा गड्ढा करते हैं और गड्ढा करने में इनकी मदद करते हैं ये ओविपोजिटर। और ओविपोजिटर से जैसे ही गड्ढा कर लिया जाता है उनके अंदर एग लेइंग करवा दिए जाते हैं। ओविपोजिटर, ठीक है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। अब इनमें होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों की जब सीज़न होती है उस वक्त इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस संपन्न होता है, और फर्टिलाइजेशन की व्यवस्था जब होती है तो उस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो पेनिस शीथ है इनकी सहायता से वेजाइना के अंदर स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, और ये जो ट्यूब्यूल है ये क्या करती है, जो रिसेप्टिकुला सेमिनिस के रूप में ये पहचानी जा रही है, ये उन स्पर्म को स्टोर कर लेती है। और उसके बाद में क्या होगा, इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है आफ्टर मेटिंग या कोपुलेशन, इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है उसमें जैसे ही अंडे परिपक्व होकर के यहाँ पर जब इनमें अंडनिक्षेपण की प्रक्रिया होगी, एग ले करने की जो प्रक्रिया होगी, उस एग ले की प्रक्रिया में जैसे ही अंडे दिए जाते हैं, यहाँ से इन अंडों को जैसे ही रिमूव करवाया जाता है, यहाँ पर क्या होगा, जो स्पर्म है वो उनको लगातार फर्टिलाइज करते चले जाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि इनके जो अंडे होते हैं उन अंडों के अंदर एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो पाइल। इस माइक्रो पाइल की हेल्प से क्या होंगे, स्पर्म अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद में फिर इनमें जैसे ये इनका निषेचन की अवस्था हो गई, उसके बाद में ये जो एसेसरी ग्लैंड है यहाँ पर, वो एसेसरी ग्लैंड क्या करेंगी, और एसेसरी ग्लैंड के साथ में यहाँ पर कुछ कोलेटरल ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं, और वो वही वर्क करती हैं जो कि इन अंडों को चारों तरफ से एक मजबूत आवरण इनके बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जैसे मिट्टी की लेयर है, ठीक है, इस मिट्टी की लेयर के अंदर इस तरीके से एक गहरा गड्ढा बना लिया जाएगा, और उस गहरे गड्ढे के अंदर ये क्या करेंगे, 10-10 की लेयर में इस तरीके से अंडे देना शुरू कर देते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लंबाई में मौजूद ये, हालांकि इसमें तो ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन ये होते कुल केवल 10 ही हैं, और 10-10 की यहाँ पर इस पूरे पिट के अंदर लगभग 20-20 की 10 लेयर बना ली जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बार में लगभग 200 अंडे जो होते हैं वो ले किए जाते हैं। और उसके बाद में क्या होगा कि इनके अंदर जब डेवलपमेंट की अवस्था शुरू होगी, तो उस डेवलपमेंट की अवस्था में यहाँ पर जो है लगातार क्लीवेज होगा, ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होगी, और उस ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के बाद में यहाँ से जो हैचिंग की अवस्था होगी, अंडे से जो हैचिंग की अवस्था होती है उससे जो फर्स्ट स्टेज निकलती है उसको हम कहते हैं निम्फ अवस्था, ठीक है। और ये जो निम्फ अवस्था है इनमें लगातार जो है वो डाइपोज अवस्था, रोटेशन स्टेज, ठीक है, इन चरणों को प्राप्त करते हुए ये लगातार निम्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हम ये कहेंगे कि लगातार इनमें जो ये निम्फ हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनका हेड जो होता है वो बड़ा होता है, और ये अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें कि विंग बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं, और इनका जो ऊपरी आवरण होता है वो इनके डेवलपमेंट के साथ में नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इनके अंदर एक प्रोसीजर शुरू होता है जिसको हम कहेंगे एक्टाइसिस। यहाँ हम ये कहेंगे कि इनके अंदर लगातार मॉल्टिंग जो है वो शुरू होती है, लगातार इनमें निर्मोचन की अवस्था जो है वो प्रदर्शित होती रहती है, और इस निर्मोचन की प्रवस्था के दौरान ये लगातार लगभग 4-5 बार जो है वो निर्मोचन करते हुए एक विकसित एडल्ट के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। और इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो कैसी होती है, विंग्ड होती है, मतलब इनके पंख जो हैं वो विकसित हो जाते हैं, और विकसित पंखों वाली जो ये अवस्था है वही क्या कहलाती है, एडल्ट के रूप में जानी जाती है। तो इन जंतुओं का जो जीवन चक्र है वो लगातार चलता रहता है, और लगातार ये जैसे ही जब माइग्रेट करते हैं
तो खेतों के अंदर जहाँ ये रुकते हैं वहाँ क्या करेंगे, ये अंडे देना शुरू कर देंगे और कुछ सप्ताह के बाद में इनमें लगातार जो है हैचिंग अवस्था शुरू होगी और उस हैचिंग से ये निम्फ और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होते हुए फिर से दोबारा ये माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। अगर ये माइग्रेट नहीं करते हैं तो भी क्या होगा कि ये उस जहाँ फसल पर ये दिए गए हैं या जिस एरिया के अंदर ये अंडे दिए गए हैं वहाँ पर भी ये क्या करेंगे, जो कोमल पत्ती वाले जो प्लांट हैं उनको ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखा ये गया है कि ये मनुष्य के लिए जो है ये हानिकारक इसलिए ही कि एक तरीके से ये पेस्ट के रूप में वर्क करता है, तो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है, क्रॉप को ये नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने में ज़्यादातर यही देखा गया है कि ये इसकी जो अवस्थाएं हैं कौन सी, जो कि निवय वाली अवस्था है, कॉलोनियल जो स्टेज है इसकी, वही क्या होती है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो नुकसान पहुंचाती है। सॉलिटरी स्टेज जो होती है वो बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। तो ये था इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला जो टॉपिक है उसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।